हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल MRS मस्ती में। आइए देखते हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आएंगे, ठीक ना। रीजनिंग जिनको हार्ड लगता है, सर समझ में नहीं आता है रीजनिंग, तो आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सिर्फ 5 क्वेश्चन कराऊँगा, 5ों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। और आप हमारी वीडियो को अगर कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे रखिए, है ना, जिससे आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख पाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा एक बार आप और बताइएगा आप इसका क्या आंसर दे सकते हो, आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए। हाँ, लिखा है, क्या लिखा है देखो, पढ़ लीजिए एक बार। 94 + 16 इक्वल टू 42, है ना। 89 + 23 इक्वल 78, ये आपको दिया है इन्होंने, है ना। पूछा क्या है, 63 + 45 बराबर क्या होगा। तो देखिए 94 और 16 को क्या करें कि 42 हो जाए, है ना। 89 और 23 को क्या करें कि 78 हो जाए। यदि आप इन्हें सही कर पाओगे तो आप इसे भी उसी पैटर्न पे बना देना है, तो सही बन जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है 94 + 16, ये देखिए 42 कैसे है वो समझो। देखो 9 में 4 का गुणा कर दिया यहाँ पे, तो कितना आ गई 36। ये प्लस था, प्लस बना रहने दिया। 6 में 1 का गुणा कर दिया, 6 एकम 6, 36 और 6 जोड़ो कितने होंगे, 42 होंगे। आ रहा है 42, बिल्कुल आ रहा है। तो अब दूसरा वाला भी बना के देख लो, 89 + 23। देखो 8 का गुणा 9 में, दोनों में गुणा किया जाता है, तो 8 ने 72 + 2 = 6, 72 और 6 कितने होंगे, 78 कितने होंगे, 78। और देखो यहाँ पे 78 बिल्कुल आ रहा है, बस वही आपको इसमें भी करना है, है ना। 63 + 45 लिखा है, देखो 6 3 का गुणा कर दो तो 6 दिया 18, 5 4 का गुणा कर दो, 5 जो 20 कितने होंगे, 20 और 18 38 कितने होंगे, 38। क्या 38 है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में, तो 38 आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से, रीजनिंग क्वेश्चन जो है ऐसे ही सोल्व होते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। इसमें बस कुछ नहीं किया, दो संख्याएं लिखी तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस था तो प्लस करके लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि 2 × 4 × 6 = 4, क्या बोल रहा है, 2 × 4 × 6 = 4, इसको दिया 9 × 3 × 7 = 13 है, ठीक ना। अगला स्टेप और दिया है इन्होंने, 4 × 7 × 6 = 3। तो देखिए ये कैसे 4 लाया है, सबको करके इन सबको करके 13 कैसे आया, इन सबको करके 6 कैसे आया। जैसे ये आया है वैसे ही आपका ये निकल जाएगा, 9 × 7 × 8। देखिए इसमें क्या हुआ, बेसिकली ये बस समझो, इसमें हुआ इतना है कि किनारे वाले दोनों अंकों को जोड़ दिया है, 6 और 2 को जोड़ो 8, और बीच वाला घटा दिया, तो 8 में से 4 के कितने बचे, 4, ठीक ना, 4। 9 और 7 को जोड़ो कितने होंगे, 16, 16 में से 3 घटा दीजिए कितने बचेंगे, 13 है ना। अच्छा 6 और 4 को जोड़िए कितने होंगे, 10, 10 में से 7 को घटा दीजिए कितने बचेंगे, 3, भाई देखो 3 लिखा है, तो बस आपको वही करना है। इसमें भी 9 × 7 × 8 लिखा है, किनारे वालों को जोड़ना है, 9 और 8 कितने होंगे, 17, और 17 में से बीच वाला घटा देना है, 7 कितने बचेंगे, 10। और 10 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रश्न बहुत अच्छे समझ आया होगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए इसे भी एक बार, क्या बना पाओगे आप। अच्छा इसमें आपको ये ब्लड क्या नाम रिलेशन वाला है, रक्त संबंध वाला, ऐसे प्रश्न कैसे होते हैं। देखो आप एक बात ये समझो, आप जो हो ना, आपकी जो बराबर पीढ़ी होंगी, जैसे आपका भाई हो गया, आपकी पत्नी हो गई, ये सब आपके जो है बराबर पे लिखे जाएंगे, ठीक है, बराबर पे लिखे जाएंगे इस टाइप से। आपसे एक पीढ़ी ऊपर जब बढ़ोगे तो वो ऊपर लिखे जाएंगे यहाँ पे, जैसे आपके पिता हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, है ना। इसके बाद आप एक पीढ़ी जब और ऊपर आओगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके बाबा, दादा, दादी, नाना, नानी, है कि नहीं, ये तो ऊपर वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे आप हो, आपसे नीचे कौन होगा, आपके पुत्र, पुत्री, है ना,
भतीजे ये सब होंगे। एक पीढ़ी और नीचे जाओगे तो फिर क्या होगा, नातिन नाती है कि नहीं, तो ये बात समझो। अब देखिए ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, देखिए बी का भाई ए है, बी का भाई कौन है, ए है, भाई है तो देखो बराबर पर रहेगा। और एक काम और कर दो, जो जिसका जेंडर क्लियर हो उसे साइन देते चलो, जैसे बी का भाई, सॉरी बी ए का भाई है, बी ये बी जो है ये किसका, ए का भाई है, ए का भाई है, बी भाई है तो प्लस से कर दीजिए, ठीक है। और अगर मतलब फीमेल होती, लड़की होती तो माइनस से करते, बी ए का भाई है, यहाँ क्लियर हो गया। डी का पिता सी है, डी का पिता सी है, मतलब सी जो है किसका पिता है, डी का पिता सी है। ये साइड इसलिए बना दिया क्योंकि यहाँ ना सी है ना डी है, इसमें इन दोनों में कहीं सी और डी है तो नहीं, इसलिए। इसके बाद क्या कह रहा है, बी की माता है ई, बी की माता है कौन, ई, माता है तो माइनस से कर दो, बी की माता है ई। ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, मतलब एक भाई डी और है, ए और डी दोनों भाई हैं तो दोनों को प्लस कर दो, ए और डी भाई हैं। तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का, अब देखो यहाँ समझो, ए और डी भाई है और डी जो है का पिता कौन है, सी, ये देखो इधर बना है तो ये डी है, इसका इनका पिता हो जाएगा सी प्लस। अब देखो ये सब नीचे भाई बहन ही है कि नहीं है, तो ये दोनों इधर ये माता है उधर ये पिता है, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे आपस में। लेकिन इन्होंने पूछा गया ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध, मतलब सी क्या लगेगा ई का, तो देखिए ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का सी से क्या संबंध है पता है, मतलब सी का ये ई कौन लगेगा, तो पत्नी लगेगा सीधी साथ, अभी आपको बताए थे ये पति है तो ये पत्नी है, और पत्नी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको सही समझ में आया होगा, है कि नहीं। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो का करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, किसी कूट भाषा में, सॉरी किसी कूट भाषा में ब्यूटी का कूट क्या दिया गया है, वाई वी जेड एफ जी बी, तो पूछ रहा है इसी कोड भाषा में ये चर्म को क्या लिखा जाएगा, सी एच ए आर एम चर्म। तो देखो इन्हें कैसे कोडित किया है वो समझ लोगे, वो समझेंगे तो आप इसे भी कोडित कर पाओगे। देखिए क्या है, बी ई ए यू टी वाई, इसमें क्या गया, अक्षरों को अपोजिट करके लिखा, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ए पहले नंबर पर होता है, अगर पीछे देखो तो जेड पहले नंबर पर होता है ना, तो इनको अपोजिट करके लिखा गया है। शायद आपको एक बार ये बताए भी थे, अगर आपको याद ना रहते हो ये अपोजिट करके कैसे लिखे जाते हैं तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपको हम बहुत ही सिंपल ट्रिक देंगे जिससे आप याद रख पाओगे एक दूसरे अपोजिट। देखो बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है ना, ई का अपोजिट क्या होता है वी, और ए का जेड, यू का अपोजिट क्या होता है एफ, टी का क्या होता है जी, और बाई का क्या होता है बी, भाई बाई बाई पीछे से दूसरे नंबर पर है और बी आगे से दूसरे नंबर पर है, तो एक दूसरे अपोजिट हुए कि नहीं, तो यहाँ पे अपोजिट करके लिखा है, तो वही आपको करना है। इसमें क्या लिखा है, चार्म, सी एच ए आर एम, इसको अपोजिट करके लिख दो। देखो सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, और एच का एस, ए का तो पता ही है आपको जेड, अच्छा आर का आई, और एम का पता है, बताओ एम का क्या होगा, अब कुछ लोग बोल नहीं रहे, अब अगर आप नहीं, मान लो आपको नहीं पता है, एक बात समझ लो, अब समझ लो आपने इतना बना लिया, इसके आगे हमें नहीं पता कि एम का क्या अपोजिट होगा, तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, ये देखो एक्स एस जेड आई किस में है, किस ऑप्शन में मिल रहा है ये आपको, तो एक्स एस जेड आई ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है ना, और तो किसी में है नहीं, तो बस हम लोग आँख बंद करके आप ऑप्शन नंबर ए लगा दो, बिल्कुल सही है, क्योंकि एम का अपोजिट एन होता है, ये बात पता है हमें। लेकिन मान लो आपको नहीं पता है तो आप ऐसे बना सकते हो, देखो यहाँ पे पूरा ऑप्शन लिखा है, आप समझ जाओगे हाँ बस यही ऑप्शन और किसी मिल ही नहीं रहा है कि नहीं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आपके दो तीन अक्षर मिल जाए तो समझ लो, अगर वैसे कोई नहीं मिले तो वही ऑप्शन सही है, पूरा देखने की आवश्यकता है कि नहीं। यहाँ तो मैं आपको इसीलिए दिखा दिए पूरा क्योंकि हमें सिखाना है आपको, एग्जाम में इतने स्लो थोड़ी बनाना है, फास्ट बनाना है आपको, है कि नहीं। देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व करके दिखा दीजिए, इसे आपको ही सॉल्व करना है,
थोड़ी बहुत हिंट दे दे रहे हैं आपको, आंसर आप ही को कमेंट बॉक्स में लिखना, आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आपको हिंट दे दे रहे हैं इसमें क्या किया गया है। देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए 5 लिखा है, 15 लिखा, फिर 25 लिखा, इधर 8 लिखा, 40 लिखा, 72 लिखा, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 67। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना है यही आपको बताना है, ठीक है। अब देखो हिंट मैं दिए दे रहा हूँ, आंसर आपको ही कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए इसमें क्या हुआ है, किनारे वाले जो दो संख्याएँ हैं 25 और 5, इनको जोड़ लिया इन्होंने, तो 25 और 5 कितने होते, 30, कितने होते 30, और 30 का आधा लिख दिया है, आधा कितना होता है 15, देखो 15 लिखा है। इसमें देखो 72 और 8 इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 72 और 8 कितने हो जाएंगे 80, 80 का आधा लिख दिया है कितना 40, जो 40 लिखा है। बस इसमें आपको वही नियम अप्लाई करना है, और 4 ऑप्शन में से जो सही होगा उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, बताना है हमें कि सर ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपके कमेंट का हम वेट करेंगे, और अगली वीडियो में क्वेश्चन फिर आएगा आपके सामने, आपको बताएंगे, है ना। आपको बताना भी तो है कि मतलब सही आंसर आपने कमेंट किया कि गलत किया है कि नहीं। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सही से घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, है ना, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बस यही मतलब समझ लो, आप रिक्वेस्ट हमारी समझ लो कि अपना टाइम वेस्ट इधर उधर ना करके अपनों का ख्याल रखने में, पढ़ाई करने में टाइम अपना वेस्ट कीजिए, है कि नहीं। मिलते हैं फिर कल मैथ की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।